हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पनीर की सब्जी। इसके लिए हमने आलू लिए हैं 5-6, जो हमने धो के काट लिए हैं। ये हमने पनीर लिया है थोड़ा सा। ये हमने लिया है मसालों में 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच किचन किंग, 1.5 चम्मच नमक, थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा। ये हमें लिया है 2 प्याज जो हमने बारीक काट लिया है। ये हमें लिया है 1 चमचा पीसी हुई मिर्च। ये मिला है अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने जो है 2 चमचे तेल गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और जीरा को थोड़ा गर्म होने देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, प्याज, को जो है हल्की गोल्डन होने तक भूनेंगे। अब हमारी प्याज हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल देंगे आधा कटोरी, को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें पीसी भी लाल मिर्च डाल देंगे 1 चमचा, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी 1 चम्मच, मिर्च 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, किचन किंग 1 चम्मच। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ताकि हमारा मसाला फूटे नहीं। मसाले में करीब 10 मिनट तक भुनने देंगे। मसाला जो है 10 मिनट के बाद भुन चुका है। और इसमें आलू ऐड कर देंगे। हम आलू को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे आलू है वो मसाले के साथ अच्छे से भुन जाए। मैं आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है।
थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो फूके नहीं। अब इसको हम जो है 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारे आलू बन जाए। हमारी सब्जी जो है 15 मिनट बाद बनके तैयार हो चुकी है। अब देखिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें जो है 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है और हम सब्जी को जो है थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि जो हमारा पानी हमने डाला है वो सब्जी के साथ अच्छे से पक जाए। देखिए अब करीब 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे ताकि जो पानी हमने डाला है वो आलू के साथ अच्छे से पक जाए। आधा गिलास पानी और ऐड कर देंगे इसमें क्योंकि हम इसमें पनीर डालेंगे तो इसलिए हमने आधा गिलास पानी और ऐड किया है। हमने पनीर ले लिया है और हमने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च ली है जो हम इस पनीर में लगा देंगे। हम नमक, मिर्च, हल्दी को जो है पनीर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया है, हम इसको तलेंगे। और हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें हम जो है थोड़ा सा तेल डालेंगे। हमने जो है 2 चमचे के करीब तेल ऐड कर दिया है और हम इस तेल को अच्छे से पका लेंगे जिससे कि हम इसमें पनीर तल सकें। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें जो है पनीर डालेंगे और पनीर को तल लेंगे। चला लेंगे, हमने पनीर डाल लिया है, हम इस पनीर को चला देंगे अच्छे से ताकि जो हमारे पनीर वो अच्छे से तल जाए। चला लेंगे ताकि हमारा पनीर जो है वो चले नहीं, अच्छे से पनीर को हम तल लेंगे। हम पनीर को जो है अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अलग बर्तन में निकाल लिया है, देखिए हमने पनीर तल लिया है। और इसमें जो है हम पनीर तला, जो हमने पनीर तला है वो हमने इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हम इसके छोले चला देंगे ताकि हमारा पनीर भी सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमने एक पे नमक मिर्च हल्दी लगाए हैं वो भी हमारी सब्जी में अच्छे से मिल जाए। और करीब 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। हम इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हमने सब्जी को जो है 10 मिनट तक पका लिया है। देखिए हमारी सब्जी पकने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ।
देखिए ये देखिए, मैं आपको चला के दिखा देती हूँ। ये देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।